वक्त महंगाई सातवें आसमान पर है और इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीबी रेखा से नीचे आए हुए लोगों को पड़ रहा है। ज्यादातर इस वक्त जो लोग शहरी इलाके में रहते हैं वो लोग गैस सिलेंडर पर खाना बनाते हैं। ऐसे में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। पर अब आपको बता दें कि अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, तो अब आपको आधे दाम पर नहीं बल्कि पूरे मुफ्त में सिलेंडर मिल सकता है। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ आपको 1,20,000 रुपए की धनराशि भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप भी आते हैं गरीबी रेखा से नीचे तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि आप फ्री में ई श्रम कार्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके भी फ्री में न सिर्फ गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं बल्कि हर 6 महीने पर 1,20,000 रुपए की धनराशि अपने रोजगार को शुरू करने के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसमें भी ई श्रम कार्ड आपको बहुत ही ज्यादा सहयोग करने वाला है। क्या होगी इसकी पूरी प्रक्रिया, चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है ई श्रम कार्ड बनवाने के, अगर आप चाहें तो आपका मुफ्त में सेल्फ रजिस्ट्रेशन ई श्रम कार्ड जो है वो हम आप सभी को बनवा कर दे सकते हैं। आप हमें कॉमेंट करें ताकि आपके कॉमेंट का रिप्लाई करके आपकी पूरी जानकारी सरकार तक पहुँचाई जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त ई श्रम पोर्टल के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या फिर जिनका खुद का घर नहीं है, जो सड़कों के किनारे रहते हैं, उन सभी को मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा और वो भी साल में 6 सिलेंडर मुहैया कराई जाएगी। आप उस सिलेंडर का इस्तेमाल अपने रोजगार को शुरू करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी चीज की दुकान कर सकते हैं, जैसे पकौड़े की या फिर चाय की दुकान कर सकते हैं, और उस दुकान में आप उस गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर अपने रोजगार को बढ़ावा भी दे सकते हैं। बता दें 1,20,000 रुपए की धनराशि जो है वो आपको रोजगार शुरू करने के लिए 3 किस्तों में दी जाएगी। बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में गरीबी रेखा से नीचे आए हुए लोगों के लिए ई श्रम कार्ड बहुत ही ज्यादा सहयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आपको अभी तक ई श्रम पोर्टल के तहत पहले किस्त प्राप्त नहीं हो पाई थी तो आप अपना नाम और साथ ही अपने राज्य का नाम कमेंट में मेंशन जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ना सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि आप किस प्रकार से किस सरकारी योजना का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा सहयोग करेगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।